नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2022 में आरसीबी टीम का सफ़र अब जो है ख़त्म हो चुका है। क्वालिफायर टू में राजस्थान की टीम ने आरसीबी को हरा दिया, जिसके बाद आरसीबी का चैंपियन बनने का सपना एक बार फिर से टूट गया। आईपीएल 2022 में आरसीबी ने शानदार प्रदर्शन किया था, स्टार्टिंग के मैचेस को अच्छे से जीते थे। इसके बाद मिडल में आके थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जहां पर आरसीबी टीम के खराब प्रदर्शन के चलते उन्हें लगातार हार झेलनी पड़ी। लेकिन इसके बाद अंत में वापस से आरसीबी ने कमबैक किया और कैसे कैसे करके पहले एलिमिनेटर में जगह बनाई। एलिमिनेटर मुकाबला जीतने के बाद आरसीबी टीम ने क्वालिफायर टू में भी प्रवेश कर लिया था। क्वालिफायर टू नहीं जीत पाए, राजस्थान की टीम ने जीत लिया, जिसके चलते आरसीबी को यहां पर एक बार फिर से गहरा झटका लगा। वो आईपीएल 2022 की ट्रॉफी नहीं जीत पाएंगे। अब आईपीएल 2023 में आरसीबी टीम कैसे प्रिपेयर करेगी, मिनी ऑक्शन के लिए कौन से खिलाड़ी को रिटेन करेगी, कौन से खिलाड़ी को वहां पर रिलीज करेगी, इसको लेकर मैं वीडियोस बनाते रहूंगा। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोहम्मद सिराज, जिन्होंने आईपीएल 2022 में बेहद ही खराब प्रदर्शन किया है, इनको जो है आरसीबी टीम कंफर्म रिलीज कर सकती है आईपीएल 2023 से पहले। तो इसको लेकर ही डिटेल में सारी बातचीत करने वाले हैं। अगर आप भी आरसीबी टीम के फैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। वहीं दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सिराज को आईपीएल 2023 से पहले रिलीज कर देना चाहिए? अगर आरसीबी टीम ऐसा करती है तो उनके पास अच्छे खासे पैसे भी वापस आ जाएंगे पर्स में, इसलिए आरसीबी टीम शायद ये फैसला ले सकती है। आपको क्या लगता है, रिलीज करना चाहिए फिर रिटेन? आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचते रहें। ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो याद से ज्वाइन कर लो। वहां भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज लगातार मिलती रहती है। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाइए वहां पर उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2022 के पहले आरसीबी टीम ने मोहम्मद सिराज को रिटेन किया था। वो टीम के रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल थे, जिसमें विराट कोहली, मैक्सवेल जैसे प्लेयर्स थे, तो उन्हें भी आरसीबी ने मेगा ऑक्शन के पहले रिटेन कर लिया था। मगर सिराज ने जिस तरह का प्रदर्शन किया आईपीएल 2022 में, उसे देखते हुए लग रहा है कि शायद से अब आरसीबी की टीम उन्हें 2023 के ऑक्शन से पहले रिलीज भी कर देगी। सिराज ने इस सीजन जो है कुल 16 मैचेस खेले और मात्र 9 विकेट ही हासिल कर पाए। इस दौरान उनकी इकोनॉमी रेट जो है बेहद ही खराब रही, करीब 10.5 से 11 के बीच में रही है, जिसके चलते आरसीबी टीम के फैंस काफी निराश हैं। जिनका यह भी मानना है कि अगर बाई चांस सिराज की प्लेस पर आरसीबी टीम ने चहल को रिटेन किया होता तो यहां पर शायद आरसीबी की किस्मत कुछ और होती। सिराज का फॉर्म काफी बेहतरीन रहा था 2021 में, जिसे देखते हुए आरसीबी टीम ने 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले उन्हें रिटेन कर लिया था। लेकिन सिराज जो है उस फॉर्म को दोहराने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। 2022 में उन्होंने बेहद खराब गेंदबाजी की आरसीबी टीम के लिए। जब उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी टीम को, तो वो उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए और टीम के लिए विकेट्स नहीं निकाल पाए, रन्स काफी लुटाए हैं। अब इसे देखते हुए आरसीबी की टीम आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले जो है सिराज को रिलीज कर देगी। आईपीएल 2023 में मिनी ऑक्शन होना है। मिनी ऑक्शन में ऐसा होता है कि जहां पर आरसीबी टीम या फिर कोई भी टीम जितने चाहे उतने खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, कुछ ही खिलाड़ियों को वहां पर रिलीज किया जाता है। मेगा ऑक्शन में ऐसा रूल रहता है 3 से 5 खिलाड़ी रिटेन होते हैं, लेकिन मिनी ऑक्शन में ऐसा कुछ नहीं रहता है। यहां पर आप जितने चाहे उतने खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं। 3 साल का एक कोर बनाना होता है मिनी ऑक्शन का, 3 साल के बाद जो है मेगा ऑक्शन होता है। तो इसी लिहाज से शायद से आरसीबी टीम सिराज को रिलीज कर देगी और ऑक्शन में एक अच्छी गेंदबाज, एक अच्छी तेज गेंदबाज को टारगेट करना चाहेगी सिराज की प्लेस पर, जो कि टीम में आके अच्छी गेंदबाजी कर सके, हेजलवुड और हर्षल पटेल जैसे गेंदबाजों का अच्छा साथ निभा सके। वहीं सिराज को रिलीज करने से आरसीबी टीम को एक और फायदा होगा, जहां पर इनके पास जो है 7 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे पर्स में, क्योंकि सिराज को आरसीबी टीम ने रिटेन करने के लिए 7 करोड़ रुपए दिए थे। अगर रिलीज करती है तो 7 करोड़ रुपए वापस आ जाएंगे, जिसे वो ऑक्शन में यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो मोहम्मद सिराज को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।